दोबारा बोल। मॉर्निंग स्टूडेंट, तो अब हम अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चालू करने जा रहे हैं। तो बेटा हेडिंग डालें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हेडिंग डालें बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हम इसकी पहचान लिखाएंगे। पहचान, लिखें बेटा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, आदि शब्द हों, आदि शब्द हों, और इन शब्दों के साथ साथ, और इन शब्दों के साथ साथ समय के साथ से दिया हुआ हो, समय के साथ से दिया हुआ हो, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे बेटा अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन है, शैल हैव बीन तथा विल हैव बीन है, आगे लिखें इसी में आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन, आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन, और शेष सभी, और शेष सभी कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है।
फिर से एक लाइन छोड़ेंगे बेटा और लिखेंगे इस टेंस में सभी प्रकार के वाक्यों में निश्चित समय के साथ सेंस तथा अनिश्चित समय के साथ फोर का प्रयोग किया जाता है। और एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा पहचान लिखी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे आदि शब्दों, और इन शब्दों के साथ साथ किसका होना जरूरी है, समय के साथ से का। और जब अंग्रेजी बनाएंगे तो निश्चित समय के साथ सेंस लगेगा और अनिश्चित के साथ फोर, और एमबी फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एमबी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट टेंस या फोर, और उसके बाद टाइम। वह 2 घंटे से खाना पका रही होगी। तो देखो बेटा, रही होगी और इसके साथ साथ 2 घंटे से, समय के साथ से दी हुआ है, तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी जब ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो सी विल हैव बीन लगेगा इसके साथ, विल हैव बीन, एम बी फर्स्ट है कुक, इसमें लग जाएगा आईएनजी कुकिंग, ऑब्जेक्ट है बेटा फूड, ये सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, उसके बाद में एमबी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट, 2 घंटे से कैसा समय है, अनिश्चित, तो 4 2 आवर्स। नोट कर लें, सभी नोट करें सही तरीके से। नोट कर लें बेटा,
शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स. शायद नोट कर लिया होगा आपने. अब है नेगेटिव सेंटेंस अगला. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब आप सभी जानते हो बेटा, नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य में शैल और विल के बीच में नॉट आएगा और फिर हैव बीन आएगा. तो बेटा सब्जेक्ट शैल या विल उसके बाद नॉट उसके बाद हैव बीन फिर एम बी फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट टेंस या फोर और उसके बाद टाइम. वे 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहे होंगे. अब देखिए बेटा दे दे के साथ विल आएगा, विल उसके बाद नॉट हैव बीन मुख्य क्रिया है बेटा रीड इसमें लग जाएगा आई एन जी ऑब्जेक्ट है बेटा हिंदी हिंदी नाउन है इसलिए एस कैपिटल आया. फोर 2 आवर्स. देखे सब्जेक्ट शैल या विल में से विल आया उसके बाद नॉट उसके बाद हैव बीन एम बी फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट सेंस या फोर में से अनिश्चित समय के साथ फोर आया और समय है 2 आवर्स. नोट करें आराम से समझते हुए एक एक चीज को देखते हुए नोट करना है. नोट करें शायद आपने नोट कर लिया होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंस
इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले बेटा शैल या विल आएगा, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट टेंस या फोर और टाइम और क्वेश्चन मार्क एंड में आएगा। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? ध्यान से देखें बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह आएगा एंड में, तो हम यानी कि वी और आई वी के साथ क्या लगता है, सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, खेलना प्ले, इसमें लग जाएगा आई एन जी प्लेइंग, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, सुबह से निश्चित समय है, कैसा समय है निश्चित, इसलिए क्या लगेगा सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क लगेगा बेटा एंड में। नोट करें, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, नोट करें। प्रॉपरली नोट करें बेटा, सही तरीके से ये भी ध्यान रखना है कि ये विल कहां रहा है, बीन कहां रहा है, सभी बातों को देखते हुए आपको नोट करना है। सही तरीके से नोट करें, शायद नोट कर लिया होगा आपने। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, सबसे पहले शैल या विल आएगा बेटा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट सेंसिया फोर
और टाइम और क्वेश्चन मार्क। सैलिया विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन एमबी फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंसिया फोर टाइम और क्वेश्चन मार्क। वह एक घंटे से कपड़े नहीं धो रही होगी। अब इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आना है, क्या, तब ये प्रश्नवाचक बनेगा, नहीं तो ये नकारात्मक रहता। अब कैसा हो गया, प्रश्नवाचक नकारात्मक, और वो भी कैसा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले क्या कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनमें हिंदी वर्ड क्या आता है सबसे पहले। अगर क्या सबसे पहले नहीं आता है, कहीं बीच में आता है, तो फिर वो डब्ल्यू एच वर्ड वाला इंटरवेटिव सेंटेंस हो जाता है। सबसे पहले सेल या विल आएगा तो यहां पे बेटा विल आएगा, विल, उसके बाद क्या आएगा, सी रही होगी तो वह की अंग्रेजी सी आएगी, नॉट हैव बीन, धोने की क्या है बेटा, वॉश, डब्ल्यू एस एच, नहाने की बात है और धोने की वॉश, इसमें लग जाएगा आई एन जी, वॉशिंग क्लॉथ। एक घंटे से फोर अनिश्चित समय, इसलिए फोर आया, एन आवर, एन आर्टिकल आया यहां पे एक के लिए, क्योंकि आवर हिंदी के एस स्वर से शुरू हो रहा है आ से, इसलिए एन आर्टिकल आया एक के लिए। तो देखें बेटा ध्यान से, सैलिया विल में से विल आया, उसके बाद सी, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट क्लॉज सेंसिया फोर में से फोर आया अनिश्चित समय के साथ, और अंत में आया समय और क्वेश्चन मार्क। नोट करें बेटा, सही तरीके से नोट करते रहें। नोट करें सही तरीके से, प्रॉपरली नोट करें बेटा। हाँ तो आपने शायद नोट कर लिया होगा,
अब है डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें बेटा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में शैल या विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, टेंस या फोर, उसके बाद टाइम, क्वेश्चन मार्क, वे सोमवार से यहां क्यों रह रहे होंगे, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है बेटा, क्यों, यानी कि वाई, ठीक है, विल, दे, हैव बीन और रहने की क्या है बेटा, लिव, जब आई एन जी लगाएंगे तो लिव का ई हट जाएगा, आई एन जी लिविंग, यहां हियर, सोमवार से, सोमवार निश्चित समय है, सेंस लगेगा, सेंस मंडे, देखें आप ध्यान से, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया, उसके बाद में सेल वेल में से बिल आया, सब्जेक्ट आया हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट हियर आया, सेंस या फोर में से सेंस आया निश्चित समय के साथ, मंडे समय और क्वेश्चन मार्क, नोट करें बेटा ध्यान से, ध्यान से नोट करते रहें, सही तरीके से नोट करें बेटा, समझते हुए नोट करें,
टेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लेना बेटा, जिससे समस्या ना आए ग्रामर के किसी भी टॉपिक में, क्योंकि बिना टेंस के कोई ग्रामर पूर्ण नहीं होती है किसी भी प्रकार की, ना ही आप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन पेपर में उनका भी आप आंसर नहीं दे सकते, इसलिए टेंस बहुत जरूरी है। शायद आपने नोट कर लिया होगा, अब है डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद पहली अवेल, सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पे नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन आएगा, इसके बाद एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, टेंस या फोर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। हम तुम्हारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, हम तुम्हारे साथ खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे। डब्ल्यू एच वर्ड क्या है बेटा इसमें, क्यों, और नेगेटिव क्या है, नहीं, तो कैसा हो गया है डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। तो आप देखें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आया वाई, सेल या विल में से हम के साथ सेल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वी नॉट, उसके बाद क्या आएगा बेटा हैव बीन, वाई सेल वी नॉट हैव बीन खा रहे होंगे, ईट माने खाना, आई एन जी फूड, अब इसमें हिंदी में समय हमने नहीं लिखा, और समय का लिखना जरूरी है, हमने पहले ही आपको बताया किसका होना जरूरी है, समय का, नहीं तो कैसा सेंटेंस हो जाता है फिर, किस टेंस का वाक्य हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो हमें समय लिखना पड़ेगा बेटा इसमें। तो हमने लिखा वे तुम्हारे साथ सोमवार से खाना क्यों नहीं खा रहे होंगे, ठीक है बेटा, तो सोमवार से सिंस मंडे, ये सोमवार से जो इसमें समय आया है इसी से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होना, अदरवाइज ये कैसा हो जाता, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखें आप डब्ल्यू एच वर्ड सेल या विल में से सेल आया, वी नॉट हैव बीन, एम बी फर्स्ट में आई एन जी, ऑब्जेक्ट,
सेंस या फॉर्म में से सेंस आया और मॉर्निंग मंडे समय सोमवार है इसलिए मंडे। नोट करें, नोट करें बेटा ध्यान से, आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी कि केवल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। भाई कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है? यदि समय के साथ से है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और समय के साथ से नहीं है इन शब्दों के साथ तो वो हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। नोट कर लें बेटा, नोट करें आराम से सही तरीके से। आ जाओ, हाँ तो बेटा नोट करें आराम से, ध्यान से नोट करें। हाँ तो बेटा हमने शायद आपने नोट कर लिया होगा, हमने आपके टेंस सबसे पहले कराए क्योंकि अंग्रेजी में बिना टेंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हमारे शरीर का कोई भी अंग अगर काम करने मतलब कोई भी अंग काम करना बंद कर देता है जैसे कि हाथ है पैर है तो हम अपना जीवन फिर भी जी सकते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी में अगर जरा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो शरीर पैरालिसिस पर चला जाता है। इसी तरह से और सभी चीजों की पूर्ति तो हो जाती है लेकिन बिना टेंस के, ये समझो आप अंग्रेजी में पैरालिसिस पर हो। तो आपसे मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि आपने टेंस बिल्कुल कंप्लीट कर लें। मैंने आपको आपके जो तीन टेंस हैं उनके 12 भाग करा दिए हैं, इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, गहन अध्ययन करें इनका, तभी हम और आप आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपरली सही प्रकार से। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।